आप क्या मेरे कमरे में? एक्चुअली मेरा क्लच छूट गया था, वही लेने आई थी। अरे तो फिर अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक करना चेतना को। देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर आप होंगे। मुझे पता होता कि आप चेंज करें तो मैं अंदर आती नहीं। आपको दरवाजा बंद करके चेंज करना चाहिए ना। ओके ओके ओके, काम कीजिए प्लीज, इधर देखिएगा मत। देखिए मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी उस तरफ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं आपको ऐसे देखने में। अभी तक दरवाजा खुला छोड़कर कपड़े बदलने की आदत नहीं गई इसकी। सारी गलती मेरी है, मुझे दरवाजा लॉक करके कपड़े चेंज करने चाहिए। नहीं, मेरी गलती है, किसी के कमरे में आने से पहले मुझे लॉक करना चाहिए था। आज रात तेरी सगाई है, यही सूट तुझे पहनना है। रख देता हूं। उस मिनिस्टर का तो काम हो गया, 3 करोड़ भी जेब में आ गए, अच्छे पैसे आ रहे आजकल। अरे भूल गया, निवेदिता जी को फोन करके बधाई देता हूँ, बाद में टाइम मिले ना मिले। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मोबाइल स्विच ऑफ रखा है इन्होंने, अभी सगाई वाले दिन। क्या बात है, लैंडलाइन पे कर लेता हूँ। अंबिका? हाँ, फोन उठा लोगी प्लीज? या श्योर। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, किससे बात करनी है? और हाँ मुझे एक टॉवल दे देना प्लीज। अच्छा रहने दो, यहाँ पे है, मैंने देखा नहीं। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं अंबिका बोल रही हूँ, निवेदिता की दोस्त। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, आपको किससे बात करनी है, कौन बोल रहा है? मैं साकेत कपूर बोल रहा हूँ। कपूर बोल रहा हूँ। हाँ, ये किडनैपिंग मैंने कराई। हटो, तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है। नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की कदर। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा, किसी की भी नहीं। अंबिका, अंबिका यूके, किसका फोन था? हेलो हेलो अंबिका, विल यू टेल मी व्हाट हैपेंड? तुम इतनी परेशान क्यों हो, किसका फोन था बताओ ना मुझे। अंबिका व्हाट हैपेंड? ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा, और मैं इसे बता भी नहीं सकती कि सच क्या है। अगर इसे पता चल गया कि साकेत की आवाज़ सुनकर मेरा ये हाल हुआ है, नहीं मेरा सारा फेर यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती।
मेरा फोन नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए तुम्हारे लैंडलाइन पर फोन किया था। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारी मॉम का ही तो फोन था ना, तो इतनी परेशानी वाली क्या बात है? उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। अंबिका एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी एंगेजमेंट अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आई यू सीरियस? अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं नहीं वेदिता, वो उनकी तबीयत एक्चुअली में बहुत खराब है, उनको मेरी जरूरत है, मुझे अभी जाना होगा। तुम्हारी एंगेजमेंट जब स्टार्ट होगी मैं वापस आ जाऊंगी, इस वक्त मुझे जाना होगा। अंबिका जी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों और घबराई से क्यों हैं? नहीं वो मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। मैं भाई मुझे बताइए, मतलब मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, चलिए। नहीं नहीं आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो उनके दांत में दर्द है, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। इसे क्या हो गया अचानक से? माँ के दांत में दर्द है, बस इतनी सी बात से कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है? इसकी आंखों में अलग सा डर था और चेहरा भी इसका फीका पड़ गया था। आई थिंक बात कुछ और है। देविका की आवाज अंबिका से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? नहीं, शायद ही मेरे दिमाग का खेल है। दो लोगों की आवाज एक जैसी हो सकती है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कि नहीं, ये आवाज कुछ ज्यादा ही मिलती जुलती थी। वॉइस रिकॉर्डर चेक करता हूं। मैं अंबिका बोल रही हूँ, निवेदिता के दोस्त। आप कौन बोल रहे हैं? ये तो देविका की आवाज है। मैं देविका की आवाज कभी नहीं बोल सकता, ये आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। तो ये कैसे हो सकता है? देविका इस लूथरा के घर में, और देविका जिंदा कैसे हो सकती है? देविका तो मर चुकी है, मैं अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा, तो ये आवाज किसकी है? श्वेता को फोन करता हूँ। हाँ ये पहन लेती हूँ, अच्छी लग रही। पर ये भी तो मैंने आखिरी पार्टी में पहनी थी जब घर में आग लग गई थी। मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है। इन्हें वेदिता की बच्ची भी कितनी चलाक है ना, खुद तो शहर का सबसे बड़ा डिजाइनर बुला लिया और हमने पूछा हम क्या पहने, कुछ भी पहन लो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, पार्टी में वही लोग आएंगे, उन्होंने किसी ने बोल दिया कि तुमने पुराने कपड़े पहने। हाय बाबा कितनी इंसल्ट हो जानी है मेरी। हेलो वीर जी, आप आ रहे हो? श्वेता मैंने अभी मिस लूथर को फोन किया था, उसके लैंडलाइन पे इसी लड़की ने फोन उठाया था। वो लड़की कौन है? वो ना पक्का अंबिका होगी, क्योंकि निवेदिता के कमरे में इस वक्त वही हो सकती है। पता नहीं उसने क्या किया, उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं करती। कैसा जादू किया कि पक्की दोस्त बनी हुई है। हम तो जैसे उसके दुश्मन होते हैं। ये वही लड़की है जिसके बारे में तूने मुझे बताया था कि उसे देख के मैं खुश हो जाऊंगा? हाँ हाँ वीर जी, ये वही लड़की है अंबिका। पर आपकी तो अभी फोन पर बात हुई है ना, तो आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं बात तो नहीं हुई, लेकिन ये आवाज सुनी मैंने और उसकी आवाज देविका से मिलती जुलती है, ये कैसे हो सकता है? वीर जी अभी तो आपने उसकी आवाज सुनी है, जब सामने देखोगे ना आपका तो दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि जब हमने उसको पहली बार देखा था ना, हम लोग सबके सब हिल गए थे। श्वेता जल्द से जल्द उसकी तस्वीर भेज, मैं उसकी आवाज के साथ उसकी शक्ल मिलाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये दिखती कैसी है। कुछ तो बात है इस लड़की में, जल्दी भेज। समझ गई, एक काम करती हूँ अभी जल्दी से उसको ढूंढती हूँ, आपको जल्दी से जल्दी फोटो भेजती हूँ। ठीक है बेटी, बाय। हेलो आपको किससे बात करनी है, कौन बोल रहा है? मैं साकेत कपूर बोल रहा हूँ।